हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है माइनक्राफ्ट के एक और नए एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम कुलर सीजन 2 की इन्फॉर्मेशन वीडियो के पार्ट 2 में बात करेंगे, जो कि कल नहीं हो पाई थी क्योंकि कल कुछ ज़्यादा ही टॉपिक कवर करने थे मुझे। तो कल मैंने जितने इम्पोर्टेंट थे वो मैंने सारे टॉपिक ले लिए थे, और अभी अभी कुछ बचे हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बचे हुए हैं लेकिन हाँ थोड़े बहुत बचे हुए, तो वो मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो क्लूलैंड की जॉब के बारे में बताना है आप लोगों को। तो टोटल 15 जॉब है क्लूलैंड में, ठीक है, जिसमें से एक तो फिक्स्ड है जो है वाइस प्रेसिडेंट की, जो फिक्स है मतलब जैसे कि एक मेरी जॉब है वर्ल्ड मैनेजर की, तो वो भी फिक्स है, और वाइस प्रेसिडेंट है वो भी फिक्स है। तो ये दो जॉब फिक्स हैं, बाकी जो 14 जॉब आप लिस्ट पे अपने देख रहे हैं और आपने एप्लीकेशन पर भी देखी होंगी, तो ये सारी जॉब्स हैं जो आप लोग ले सकते हैं। और अगर इनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी जानना है कि मतलब एक जॉब में हमें कितने रुपए मिलने वाले हैं एक जॉब में, तो वो उसके लिए आप लोगों को डिस्कॉर्ड चेक करना है, एक बार डिस्कॉर्ड में जाना है और अनाउंसमेंट को चेक करना है। वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कितने रुपए एक जॉब में मिल रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये होगी जॉब की। और कल मैंने आप लोगों को जेल का ट्यूटोरियल नहीं दिया था क्योंकि कल रेडी नहीं था सर्वर उसके लिए, तो आज सर्वर में सब कुछ रेडी है, ये टेस्ट भी हो चुका है और जितने भी एरर थे या जो काम नहीं कर रहा था वो सब फिक्स कर दिया है। तो अभी एकदम ये रेडी है सर्वर, जो कि मैं इसको मेन सर्वर में डाल सकूं, तो बस वो आज पड़ जाएगा और कल शाम को 6 बजे ये लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आप सब लोग 6 बजे आ जाइएगा और उसके बाद साथ में प्ले करते हैं, ओके। तो ये कल बस स्टॉप नहीं था, आज है, ओके। और सारी टेस्टिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को जेल का ट्यूटोरियल दे देता हूँ एक बार कि जेल कैसे काम करेगा, ठीक है, क्योंकि कल मात्र वार्निंग दी थी और कुछ नहीं। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि वार्निंग के बाद आपके साथ क्या होने वाला है और कैसे आपको जेल हो जाएगी और उसके बाद वापस से आपको जेल से छूट भी मिल जाएगी। तो ठीक है, मैं अपनी वार्निंग को मैं लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो अभी मुझे जेल हो गई है, वेलकम टू क्लूलैंड सेंट्रल जेल मैसेज भी आ गया। तो ये है कुछ जेल, जेल फुल्ली अंडरग्राउंड है, ओके। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आते हैं, उसके बाद आप एडवेंचर पर रहेंगे। ओ भाई सर्वाइवर, मैं क्रिएटिव में हूँ, सॉरी कोई बात नहीं। तो इसलिए अगर मैं सर्वाइवल करता हूँ तो मुझे वापस एडवेंचर मिल जाएगा। हाँ, तो अभी एडवेंचर हो गया, तो ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एक ये रूम मिलेगा, ठीक है, और इस रूम में जा सकते हैं आप लेकिन बाहर नहीं आ सकते, ओके। और जैसा कि मैंने बताया केवल आपको 4 ही ब्लॉक मिलेंगे और उसके बाद 4 वीट मिलेंगी, वो सीड मिलेंगी जिससे कि आप फार्मिंग करें, और जो वीट आप अर्न करेंगे वो आपको अपने पास रखनी है। और उसके बाद जब तक कोई जेल का जो जेल मैनेजर होगा, जो कि एक पुलिस वाला होगा, वो आएगा और आपसे आपकी वीट मांगेगा, उसके बदले में वो आपको रिस्पेक्ट और रुपए दे के जाएगा। तो वो सब रहेगा, मतलब यहाँ पे बेच नहीं सकते आप, लेकिन हाँ जब तक कोई पुलिस वाला बंदा नहीं आता तब तक के लिए आप अपने पास ही रखना, क्योंकि अगर आप बेचने की कोशिश करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। और एक बार आप अंदर चले जाएंगे बाहर नहीं आ पाएंगे फिर, लेकिन हाँ सभी कैदियों को, एक्चुअली मैं चाहता ही नहीं कि आप कोई कैदी हो, तो सभी जितने भी कैदी यहाँ पे होंगे ना, जितने भी जेल में होंगे बंदे, तो उनको शाम को एक पुलिस ऑफिसर आया करे, मतलब हर दिन में एक बार आया करेगा पुलिस ऑफिसर, और वो सबको अनलॉक किया करेगा, उसके बाद में आपस में आप तुम सब लोग जो कुछ भी चाहो वो खेल सकते हो। इसके लिए छोटा सा ग्राउंड है, और उसके बाद ये एक नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ 50 वीट में $100 मिलेंगे तुमको, और अपने इसके लिए आपको क्या करना है, कॉन्टेक्ट जेल मैनेजर और एक RP आपके ऐड होगी सेल वीट। और मैंने वार्निंग ली है 3, तो अभी जो मेरी RP है वो पता नहीं कहाँ पे पहुँची होगी, तो माइनस की 9,499 पहुँच गई है, ठीक है। और जैसे ही आपकी ये वापस से 501 होगी वैसे ही आपको जेल से छुटकारा दे दिया जाएगा, ठीक है। तो स्कोर बोर्ड प्लेयर से रिस्पेक्ट 501, अभी मेरी 501 हो गई है, ओके।
और अभी मुझे जाना है और एक बार इस पे फिर से क्लिक करना है, बस उसके ऊपर खड़ा हो जाना है और हम लोगों को जेल से छुटकारा मिल गया और हम लोग वापस से अपनी सिटी में अब घूम सकते हैं। और ये जो जेल है वो फुल्ली अंडरग्राउंड है, तो इसका किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ पे। हालांकि अभी आप लोगों ने कोड ने देख लिए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इसे आप नोट भी कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट अभी ऑफ़ कर दिए जाएंगे। जब तक आप लोग पहुंचेंगे सर्वर में तो कोऑर्डिनेट ऑफ़ रहेंगे। और ठीक है, ये तो हो गया जेल का ट्यूटोरियल, ठीक है, बाकी का सब मैंने दिखा दिया है। और अभी 501 है मेरी, ओके। तो अभी मैंने कल ब्रिज तो बिल्कुल ही नहीं दिखाया था कोई सा भी, ना ब्रिज के बारे में बताया था कि ब्रिज में क्या क्या आप लोगों को मिल रहा है। भाई मेरी बैटरी इतने टाइम रोज़ डाउन हो जाती है, कोई बात नहीं। हाँ, अब हो सकता है कि अब थोड़ा गेम लैग करे, क्योंकि ऑटोमेटिकली बैटरी सेवर ऑन हो गया होगा, तो मुझे नहीं लगेगा कि लैग हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि जो रिकॉर्डर है वो थोड़ा कम फ्रेम रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया हो, जैसा कि कल किया था। ओके, तो अभी मैं एक ब्रिज में चलता हूँ, क्योंकि रैंडम जाऊँगा तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं टेलीपोर्ट करूँगा खुद को। ये सबसे बड़ा ब्रिज शायद, मुझे पता नहीं है, कोऑर्डिनेट मैंने शायद याद किया था। ओके, 42 नहीं है, 32 है। ओके, मैं टेलीपोर्ट होके आया हूँ, देखता हूँ विलेज में हूँ क्या। हाँ, तो ये विलेज है। ओके, ठीक है। तो हम लोग अभी इस सिटी के सबसे बड़े विलेज में हैं, तो ये इसका रेडियस 200 का है और ये विलेज है, ये पूरा, ये जितनी रोड फैली हुई ना, ये पूरा विलेज है एक। और यहाँ पे प्लॉटिंग एरिया है, विलेज में प्लॉटिंग एरिया जो है बहुत कम है और थोड़ी अलग टाइप की है, क्योंकि विलेज है तो यहाँ पे गलियाँ हैं, ये यहाँ पे बंदों के घर बनेंगे और उसके बाद। और विलेज की एक खासियत है कि ये फुल्ली सर्वाइवल में है, यानी कि आपको जैसे ही इसकी रेंज में आएंगे आप लोग यहाँ पर, जैसे कि ये एरिया है, यहाँ से आप आएंगे तो जैसे आप यहाँ से अंदर जाएंगे आपका सर्वाइवल हो जाएगा और लाइफ टाइम सर्वाइवल रहेगा, जब तक कि आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे वापस। और साइड में आप कहीं नहीं जा सकते हैं, मैं दिखा दूँ क्यों नहीं जा सकते हैं आप लोग, तो कुछ इसलिए आप लोग साइड से बाहर नहीं जा सकते हैं, चारों तरफ बैरियर लगे हुए हैं, तो वो जाना बेकार होगा। ओके, ठीक है। और ये एरिया है आप लोगों के शॉप के लिए, आप लोग अपने खुद बनाना, यानी कि आप लोग नहीं, ये आपका BM बनाएगा जो कि विलेज मैनेजर होगा, वो बनाएगा, ये शॉप एरिया है, ठीक है। और ये प्लॉटिंग एरिया है, अभी यहाँ पे जो लिमिटेड हैं उतनी ही की गई है, यानी कि 20 की गई है, 24 तक की गई होगी, पता नहीं, भूल गया मैं। और अभी ये एरिया भी प्लॉटिंग का, लेकिन यहाँ पर मैंने छोड़ दिया प्लॉटिंग करनी, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये थोड़ा अच्छा लगा, यहाँ पे फ्लावर बायोम थी इस वजह से। और ये खेत हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेत इसी विलेज में है, और आप लोग चाहें अगर और ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे जो जंगल है यहाँ पे बना दिया जाएगा। और ये जंगल जो है यहाँ से आप अपना वुड कलेक्ट कर सकते हैं और बाकी बाद में बेच सकते हैं। और अभी बहुत से लोग कन्फ्यूज होंगे कि ये क्या है, तो भाई ये है रेंटल फार्म, यानी कि जो स्टार्टअप के लिए आप लोगों के, जब आप स्टार्ट करने यहाँ पे आएंगे तब ये आपको मिलेगा, ठीक है। और इसमें आपको 100 रुपये डेली का खर्चा आएगा, और उसके बाद आपको पूरे एक्सेस मिल जाएगी, आप ये दोनों फार्म यूज कर पाएंगे, और साथ में ये पैलेस मिलेंगे आपको, आप इनका भी यूज कर पाएंगे, और अंदर का पूरा एरिया मिलेगा आप लोगों को जो कि आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर सारी वीट रखी हूँ, ओके, सारी सीड रखी हुई होंगी और वीट भी रखी हुई मिलेंगी थोड़ी बहुत, मतलब हर चीज़ थोड़ा थोड़ा रखा हुआ मिलेगा, तो जो कि स्टार्टिंग में अगर आप लोग चाहें तो बेच सकते हैं। और बेचने के लिए आप लोगों को सीधे एक वो शॉप थी ना, वो GOC शॉप है, यानी GOC का मतलब क्या है वो भी बता देता हूँ। GOC का मतलब गवर्नमेंट ऑफ क्यूलैंड, यानी कि वो गवर्नमेंट की शॉप है, तो वहाँ पे आप बेच सकते हैं। अगर आप वहाँ पे बेचना नहीं चाहते हैं तो जो ट्रांसपोर्टर लोग होंगे वो आएंगे और आपका सामान लेके जाएंगे और सिटी में बेच के वापस आपको रुपए देंगे। तो ये विलेज कुछ इतना बड़ा है, मतलब मैंने अभी 14 चंक का रेडियस खोल रखा है, ठीक है, और अभी फिर भी लास्ट तक नहीं दिख रहा है। तो 200 का रेडियस है, 200 यानी 400 ब्लॉक का रेडियस है, और आप लोग यहाँ पे स्पॉन होंगे, ये मैन चौराहा है क्योंकि, तो यहाँ पे आप लोग स्पॉन होंगे। ओके, और दिखा देता हूँ इधर भी,
ओके, तो यहाँ पे ट्रेन की लाइन गई है, ये गई है मशरूम लैंड के लिए, लेकिन वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाएंगे देख लीजिए इस वजह से। तो हर जगह बैरियर लगे हुए हैं क्योंकि ये फुल्ली एक्सेस दे रखी है मैंने सर्वाइवल की, इस वजह से यहाँ पे बैरियर लगाना ज़रूरी था क्योंकि अगर कोई बंदा निकल गया यहाँ से तो वो तबाही मचा सकता है। लेकिन हाँ, और भी कई प्रोटेक्शन है जो कि सीक्रेट प्रोटेक्शन है, वो नहीं बताऊँगा, जैसे कि अगर कोई बंदा कुछ करता है तो वो आसानी से पकड़ जाएगा और सीधे बैन हो जाएगा। तो ये जीओसी शॉप है, यहाँ पे आप इतना आइटम बेच सकते हैं, जैसे जितना भी आप कमाना चाहें उतना आप बेच सकते हैं। ओके, एक्चुअली कमाना नहीं, जितना आप उगा सकें उतना यहाँ पे बेच सकते हैं। तो ये शायद प्राइस लिखे हुए हैं, हाँ तो ये प्राइस लिखे हुए हैं। ओके, तो प्राइस का मतलब ये है, यहाँ पे 20 रुपये मिलेंगे आपको, पम्पकिन जाएंगे आपके पास से 10, ऐसा कुछ है, फ़िलहाल मैं भूल गया हूँ, कोई बात नहीं। और वीट, हाँ हाँ ठीक है, 10 वीट जाएंगे और 8 रुपये मिलेंगे आपको, ठीक है ऐसा। ये सारे आइटम आपके पास से 10 कटेंगे और बदले में इतना आइटम मिलेगा। ओके, 80 रुपये मिलेंगे और ये 50 किस लिए लिखा है मैंने, पता नहीं है, पता नहीं किसकी खुशी में लिखा होगा। तो ठीक है, और अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है कि ज्वाइन कैसे करना है, तो पहले तो मैंने कल की वीडियो में ट्यूटोरियल दे दिया था कि एप्लीकेशन थ्रू आपको ज्वाइन करना है, और अगर आपने नहीं देखा है उसे तो वो वीडियो दोबारा से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब ये सर्वर स्टार्ट हो तब बंदे मुझसे पूछे भाई अब करना क्या है, तो ये मैं नहीं चाहता। इस वजह से मैंने दो पार्ट में वीडियो इसीलिए बनाई, ठीक है। तो अब आप लोग एप्लीकेशन के थ्रू ज्वाइन हो जाएंगे। हाँ, बहुत बंदों को एरर आ रहा है कि वो लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, वो मैं बता देता हूँ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अभी जो एप्लीकेशन वो बेटा में है तो उसमें बहुत सारे बग तो हैं ही। तो इसके लिए क्या करना है, आप लोगों को ईमेल जो है आप अपनी टाइप करते हैं उसे आपको कीबोर्ड में जो लिख के आ जाता है ना ऊपर, तो उस पर क्लिक करके नहीं टाइप करना है, वो आपको अपने हाथों से टाइप करना है। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो लास्ट में एक स्पेस आ जाती है, हर कीबोर्ड का यही सेटिंग होती है, अगर आप क्लिक करते हैं तो एक स्पेस आ जाती है, तो उसको हटा दीजिए या तो काम हो जाएगा, और नहीं तो आप अपने हाथों से टाइप कीजिए तो कोई एरर नहीं आएगा, एक ही बार में आप लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अप्लाई तो करना एकदम ईजी है, और डिस्कॉर्ड में जो आपका नाम है वही डालना, इससे ईजी होगा कि मैं आपको फाइंड कर सकूँ, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कल के लिए तैयार रहना, 6 बजे अपना कुलनर सीजन 2 आ रहा है, तो ठीक है फ्रेंड अभी मैं चलता हूँ।